वेलकम फ्रेंड्स, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। तो चलिए सबसे पहले बताना चाहिए, अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर स्किप करते हैं तो बाद में दिक्कत परेशानी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि बिहार बीएसईबी एसटीईटी का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, जो कि 2019 में लिया गया था एग्जाम। ओके फ्रेंड्स, तो किस लिए इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया, क्या कारण था जो इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया, पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पे बने रहिए शुरू से अंत। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, अपने मोबाइल के गूगल ब्राउजर ओपन करना, वहाँ पर टाइप करना है आपको, यहाँ पर जिस तरह मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर फास्ट जॉब इस तरह से टाइप करने के बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पे इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने कि फास्ट जॉब यहां पे, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। चलिए इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ न्यू अपडेट्स। तो यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ है बिहार बीएसईबी एसटीईटी 2019 कैंसिलेड। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 17/5/2020 का आज सुबह 7:50 पे ये न्यूज़ ये अपडेट आया है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि कैसे क्यों किया गया आप लोग का एग्ज़ाम कैंसिल। तो चलिए मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ है बिहार बोर्ड ने एसटीईटी को किया रद्द, अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर पर। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से एक पेपर कटिंग आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है एक्शन, प्रश्न पत्र सेटर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे इसमें देख सकते हैं पूरा ये बोल्ड कलर में लिखा हुआ है कि बड़ा फैसला, बिहार बोर्ड ने एसटीईटी को किया रद्द। किस लिए किया, तो यहाँ नीचे आते हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सारी यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि एक्शन जो है से इसके लिए लिया गया है कि प्रश्न पत्र सेटर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की, इसीलिए जो है उसको रद्द किया गया। तो इसका देख सकते हैं शिक्षकों की बहाली जो था यहाँ पे 17,440 पदों के लिए हुआ था एसटीईटी का बहाली। ओके फ्रेंड्स, तो नीचे आते हैं, यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ है, पूरी जानकारी मैं आप लोग को पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऑटोमेटिक वहाँ से क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने शनिवार को माध्यमिक शिक्षा एक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 को रद्द कर दिया। बिहार बोर्ड की ओर से गठित 4 सदस्यीय जाँच कमेटी ने इस साल 28 जनवरी को 317 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित एसटीईटी 2019 को निरस्त करने की अनुशंसा की थी, जिसके आलोक में बोर्ड ने उसे रद्द करने का निर्णय लिया। साथ ही बोर्ड फिर से परीक्षा लेने की शिक्षा विभाग को अपनी अनुशंसा भेजा। जांच जो है कमेटी रिटायर आईएएस अधिकारी सह बिहार बोर्ड के मुख्य निगरानी पदाधिकारी नीलकमल की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसमें बोर्ड ने पदाधिकारी संजय प्रियदर्शी, निकुंज प्रकाश नारायण और राजीव कुमार शामिल थे। इसके साथ ही 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने, चलिए नीचे ऊपर स्क्रॉल कर, परीक्षार्थियों ने तोड़फोड़ हंगामा। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि 28 जनवरी को 2 पालियों में हुई थी परीक्षा, जिसे रद्द कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, नीचे यहाँ पे देखते फ्रेंड्स लिखा हुआ, इस साल 28 जनवरी को प्रथम पाली में पेपर 1 माध्यमिक सत्र में 7 विषयों की परीक्षा ली गई थी, जबकि दूसरी पाली में पेपर 2 उचित माध्यमिक सत्र में 8 विषयों की परीक्षा हुई थी। उसके बाद यहाँ पे देखते फ्रेंड्स लिखा हुआ 5 केंद्रों की परीक्षा हुई थी रद्द। ओके फ्रेंड्स, जो कि 5 केंद्रों की परीक्षा रद्द हुई थी उस, ओके फ्रेंड्स, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल का नाम है +2 जिला स्कूल गया, SP शाही इंटर कॉलेज पताही मुजफ्फरपुर, महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज व राजेंद्र मिश्र कॉलेज सहरसा की पहली पाली, जबकि NAAN कॉलेज पटना की दूसरी पाली की परीक्षा रद्द हुई थी। तो यहाँ पे जो है सो 5 कॉलेज की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पे निकल कर आ रहा है न्यूज़ कि 317 परीक्षा की
317 कॉलेज की परीक्षा भी रद्द कर दिया गया है। जितने भी कैंडिडेट इसमें एग्जाम दिए थे सभी का एग्जाम रद्द कर दिया गया है, फिर से उनको एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी फिर से करना पड़ेगा और आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे नेम है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स जो 9 से 10 पेपर जो यहाँ 1 के लिए और 11 से 12 के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे नीचे ऊपर आते तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स जो पेपर 1 के लिए जो डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे पेपर 2 के लिए सभी उसी प्रकार है, लेकिन आपको जो है सो फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस पेपर कटिंग को ही मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डायरेक्टली पहुंच के इस पेपर को पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे देख सकते जो टोटल पोस्ट था यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 37,335 पोस्ट था। ओके फ्रेंड्स, और यहां पे जो कैंडिडेट को लिया गया था 500 रुपया और 300 रुपया लिया गया था जनरल OBC ये सब के लिए लिया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स करेक्शन के लिए और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स री एग्ज़ाम का यहाँ पे दिया हुआ ऑब्जेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं फिर बिहार STET री एग्ज़ाम आंसर की ऑब्जेक्शन डेट, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 1 मई 2020 टू 4 मई 2020 तक जो री एग्ज़ाम एक्शन के लिए आंसर की जो मांगा गया था आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि डाउनलोड री एग्ज़ाम आंसर की राइज ऑब्जेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो सारा जो है जितने भी विषय का आंसर किया यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स हिंदी उर्दू संस्कृत इंग्लिश, उसके बाद इधर आ सकते हैं मैथ साइंस सोशल साइंस सभी प्रकार के जितने भी यहाँ पे हैं सभी यहाँ पे दे दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, मुझे बहुत दुख है इस बात से कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है सो रद्द कर दिया गया, क्योंकि इतना मेहनत करके आप लोग एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद रद्द कर दिया जाता है मात्र 2-3 विद्यार्थी के लिए। 1000 देखिए यहाँ पे जो है सो 37,335 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 37,440 पदों के लिए बहाली हुई थी, लेकिन इसमें से हो सकता है 200-300 स्टूडेंट के लिए हमारे सभी इतने विद्यार्थी का नुकसान हो चुका है। इसके लिए मैं बहुत दुखद हूँ फ्रेंड्स, आप लोग को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा इसके लिए सॉरी। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इसका मैं भी एग्ज़ाम दिया हुआ था फ्रेंड्स, इसीलिए क्या कर सकते हैं, अब फिर से देना पड़ेगा, लेकिन आप लोग जो है सो ट्राई करते रहिए, ज़रूर होगा, हौसला रखिए, फिर से एग्ज़ाम होगा, अगर आप लोग के अंदर हुनर है तो ज़रूर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।